हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं वो है कि हमारे सीएमए इंटर में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, चाहे वो फाउंडेशन पास करने के बाद आए हैं और चाहे वो डायरेक्टली इंटर में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है बीकॉम कंप्लीट करने के बाद, उनके लिए दोनों ग्रुप एक साथ देना ठीक रहेगा या किसी एक ग्रुप पे ही फोकस करें? एक बार में पहला ग्रुप निकालें, फिर दूसरी बार में दूसरा ग्रुप निकालें, आखिर कैसे स्टडी करें? क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़े ताकि हमारा जो रिस्क फैक्टर है आपके पास होने का उसको मिनिमाइज किया जाए? मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जजमेंट करने वाला मैं या कोई दूसरा आदमी या आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये सेल्फ एनालिसिस की बातें हैं, ये खुद आपको जज करना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता हूँ कि हम लोगों को क्या सोचना चाहिए जब हमें ये सिलेक्शन करना है कि दोनों ग्रुप एक साथ दें या फिर एक ग्रुप एक साथ दें। मैंने कई बच्चों को देखा हुआ है कि किसी दोस्त या किसी टीचर के इन्फ्लुएंस में आके वो अपने रास्ते को गलत तरीके से सिलेक्ट करते हैं और फिर वो अल्टीमेटली जाके सफर करते हैं। तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए छोटा सा डिस्कशन आपके इस टॉपिक के ऊपर में। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, पहले तो ये देखो आप कि आज जिस जगह पे आप खड़े हो और इस जगह से लेकर जब आपने एग्जाम देना है, इसके बीच में टाइम गैप कितना है, ये आपको खुद देखना है। आपने उस टाइम गैप को देखना है कि वो टाइम गैप कितना है, और फिर देखना है कि यार ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, हमारे ग्रुप वन में चार पेपर है, अकाउंट्स, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग और फिर आपका लॉ। उसी तरीके से ग्रुप टू में हमारे चार पेपर हैं, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, एक्चुअली ये दो पेपर मिलके एक बना हुआ है, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपका एक तरीके से दो पेपर मिलके एक बना हुआ है, फिर हमारे पास आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें जीएसटी का बहुत अच्छा डिस्कशन आपका है, बहुत अच्छे लेवल पे आपको स्टडी करनी है, एंड फोर्थ पेपर आपका ओएमएसएम का। पर बच्चे, आठ पेपर जो हमारे पास है, एट पेपर जो हमारे पास है, क्या इनका प्रिपरेशन इन डेप्थ नॉलेज के साथ क्या बचे हुए टाइम के बीच में कर सकते हैं, ये आपको जज करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें इन डेप्थ नॉलेज हमें चाहिए, क्योंकि जब हम सीएमए जैसे कोर्स को सिलेक्ट किए, इंडस्ट्री में बड़े टॉप पोस्ट पर हम जाने की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें उस टॉपिक के अंदर में इन डेप्थ नॉलेज को हमें लेके जाना है। क्या ये एनफ आपके पास है, ये चीज को आपको जज करना है। एक बात और, इन दोनों ग्रुप को एक साथ देने का फायदा और घाटा क्या, मैं आपको बताऊं। देखो, जब हम दोनों ग्रुप को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और या अलग अलग, तो ये कुछ घाटे फायदे हैं। जैसे कि अगर मान लो आप एक ग्रुप को देते हो, सपोज की ग्रुप वन, तो ग्रुप वन में हमारे पास चार पेपर है, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअली आपको चारों में पास होने के लिए 40-40-40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप इस बात को जानते हैं, लेकिन एग्रीगेट आपको 200 यानी कि 50% की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो आपको फायदा क्या है कि अगर आप दोनों ग्रुप में 40-40-40-40 इंडिविजुअली अगर आप मार्क्स लेकर आ गए, और मान लो ग्रुप वन में आपका टोटल यहां पे सपोज कि 250 बन गया, 250 इंडिविजुअली बन गया आपका चारों को ऐड करने के बाद, एंड ग्रुप टू में अगर मान लो आपका 160 बना, तो आप जरा देखो, अगर अलग अलग दोनों पेपर को मैं देता तो ग्रुप वन में मैं पास हूं क्योंकि 50% से ज्यादा मार्क्स है, ग्रुप टू में मैं फेल हूं, इंडिविजुअली तो पास था लेकिन एग्रीगेट हमारा 250% नहीं बना, इसलिए हम यहां पे फेल हो गए। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम दोनों ग्रुप को एक साथ देखते हैं तो इंडिविजुअली 40-40-40 मार्क्स होना चाहिए, और एग्रीगेट अगर दोनों का मिलाकर भी 50% बन गया, यानी कि 250 मान लो ग्रुप वन में एंड 160 ग्रुप टू में, यानी कि टोटल हो गया 410 जो कि आपका 50% से ज्यादा है, तो आप दोनों ग्रुप पास हो गए। हाँ, ये भी है कि अगर आपको रैंक लाना है, रैंक का अगर कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में दोनों ग्रुप को आपको साथ ही देना पड़ेगा, तभी आपको रैंक इंस्टीट्यूट आपको देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रैंक लाना या दोनों ग्रुप को पास करना एक साथ, ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात आपके सीएमए की डिग्री होना जरूरी है। आपको रैंक लाना ही लाना है क्योंकि आपका दोस्त ने कहा है, आपका पापा मम्मी के सपने पूरे करने हैं, आपको इसने कहा, ये सब कुछ नहीं होता। स्ट्रेस कम रखो, स्ट्रेटेजिकली प्लान करो, क्योंकि चार पेपर को अगर बेस्ट तरीके से मैं तैयार करूं और मैं उसमें पास होने की कोशिश करूं एज कंपेयर टू आठ पेपर को एक साथ तैयारी करूं और पास होने की कोशिश करूं, ये बहुत ही डिफरेंट आपका है।
तो ये सेल्फ जजमेंट करो कि क्या एट पेपर्स जो आपके पास हैं इनकी स्टडी आपके पास बचे हुए टाइम में पॉसिबल है। एक बात और, एग्जाम से एक महीना पहले एनी हाउ आपका कोर्स फिनिश होना चाहिए, चाहे ग्रुप वन का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने एंड तक प्रिपरेशन करते रह गए तो फिर फायदा नहीं मेरे बच्चे। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और एंड में आते आते या तो एग्जाम छोड़ देते हैं या कहते हैं यार मैं तो एक ही ग्रुप पे फोकस करूंगा एंड में आते आते, यानी कि उनकी एफिशिएंसी जो फोर पेपर पे पूरे टाइम पीरियड में लग सकती थी उन्होंने एट पेपर पे डाला, एंड में उनको पता चला कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा और एग्जाम वो छोड़ के चले जाते हैं। आपको वो काम नहीं करना। अब प्लान करो, मत सोचो कि रैंक लाना है, मत सोचो कि हमें 90% लाना है, बस सीएमए की डिग्री हमें कंप्लीट करनी है। आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी मेरे बच्चे, रैंक और ये बातें सिर्फ अपवाद है। मतलब ये आपका मार्केट में समझो कि एक रूमर फैला हुआ कि ये होगा तो हमें इतना पैकेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी इंटेलिजेंसी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंडस्ट्री का नॉलेज, आपने कितने अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को मास्टरी किया है, ये मैटर करेगा आपको अच्छे जॉब दिलाने में। इसलिए आप इन बातों को ध्यान से हटाएं कि हमें रैंक लाना क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि रैंक मत लाओ, वो भी सपना होना चाहिए, लेकिन अपनी एफिशिएंसी को देखते हुए। जनरली एक छोटा सा एडवाइज है कि अगर बच्चा अभी ग्रेजुएट नहीं है, अगर आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो और फाउंडेशन पास करके आप आए हो, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो और फाउंडेशन पास करके आप आए हो, तो मेरा एडवाइज होता है कि एक ग्रुप पे ही आप फोकस करें, एक ग्रुप पे फोकस करें, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छे नॉलेज को गेन करें, अच्छा डिग्री को एंजॉय करें और फिर आप ग्रुप टू पे जाएं, फिर ग्रुप टू को कंप्लीट करें, फिर आप फाइनल में जाएं। मेरा एडवाइस की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं ग्रेजुएट हूं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे बच्चे जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो जनरली सीएमए में जितने सारे आपके टॉपिक्स हैं वो अपने बीकॉम में एक अच्छे लेवल तक उन्होंने स्टडी किया हुआ है, उनके लिए दोनों ग्रुप एक साथ देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना होता है। लेकिन जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इनडेप्थ नॉलेज देना है, तो आपको क्या करना होगा मेरे हिसाब से कि एक ग्रुप को दीजिए, फिर दूसरे ग्रुप को दीजिए, फिर आप डिग्री को आगे निकालो, ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप खुद जजमेंट करो कि जितना टाइम पीरियड आपके पास है, मान लो 6 महीना आपके पास है, तो 6 महीने में 8 पेपर की तैयारी करना बहुत अच्छा रहेगा या 6 महीने में 4 पेपर की तैयारी करना बहुत अच्छा रहेगा, और इस चीज को जजमेंट करते हुए आप आगे बढ़े। मैं शॉर्ट करता हूं, मैंने क्या बताया कि एक ग्रुप या दो ग्रुप में कौन जज करेगा आप खुद जज कीजिए, किसी से बात करके नहीं। दूसरा ऐसे कर रहा इसलिए मैं करूंगा ये नहीं, आपको खुद जजमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन में इतने टाइम पीरियड में कर जाऊंगा अच्छी तरीके से, आज डिसाइड करो, आज प्लान रेडी करो और आज से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। लेकिन आपको तनिक भी लगता है कि नहीं जी ये मुझे स्ट्रेस देगा, मेरी एफिशिएंसी कम करेगा, मैं नॉलेज को ठीक से गेन नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको एक ही ग्रुप एक बार में देना ठीक है, और उस एक ही में पहले हमेशा ग्रुप वन होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप वन में जो नॉलेज गेन करोगे उसका कहीं ना कहीं ग्रुप टू में एप्लीकेशन आपका होता है। मैंने ऐसे भी कई सारे बच्चे देखे यार पहले मैं ग्रुप टू कर लेता हूँ फिर ग्रुप वन में, वो ठीक नहीं है, वो गलत होता है मेरे बच्चे। इसलिए पहले ग्रुप वन और फिर ग्रुप टू, फिर आप आगे बढ़े। चलिए आप आगे बढ़े, ये एक अच्छा आपको मैंने एक छोटा सा सजेशन दिया हुआ है, बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए। कोई किसी के डिसीजन में हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ सजेशन में हेल्प कर सकता हूं, तो मैंने भी एक सजेशन दिया आपको, बाकी करना आपके हाथ में। आप सबको बाय बाय टाटा बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।